फिलहाल पहली वीडियो है तो मैं आपको यहाँ पे अपना जहाँ रुका हूँ अंजुना बीच की साइड, और यहाँ पे एक रिजॉर्ट में रुका हूँ जिसका नाम है पूनम विलेज रिजॉर्ट। तो पहले तो फटाफट मैं आपको फट से इस रिजॉर्ट का टूर दे देता हूँ, देन उसके बाद अपन चलेंगे बागा बीच, डिटोस लेने और वहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने। चलो चलते। ये जो पूनम विलेज रिजॉर्ट है ये अंजुना बीच से सिर्फ 350 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी बाय वॉक ही है, तो काफ़ी अच्छा है रिजॉर्ट। अभी आपको अंदर लेके चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बाहर दिख जाएगा पूनम विलेज रिजॉर्ट। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो कुछ इस तरह की एंट्री है इस रिजॉर्ट की, और लाइव म्यूजिक ही प्ले हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ जाएंगे थोड़ी देर में, काफी अच्छी, देख लो चिल वाइब्स है भाई यहाँ की। यहाँ पे ये जो है कॉमन जो बार टाइप एरिया हो गया, यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ें ड्रिंक्स ऑर्डर करनी है, कुछ भी खाने पीने का चाहिए तो वो अरेंज कराएंगे। यहाँ का मेन्यू है, आप स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके देख लेना क्या क्या प्राइजेज है। मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी अच्छी है, और यहाँ पे खेलने के लिए भी, यहाँ पे फुटबॉल भी लगी थी और ये पूल टेबल भी लगी है मेरी फेवरेट। तो अभी यहाँ टाइम पास करेंगे खेल के और पूल में जाके। लेट्स प्ले, मेरी बारी। करीब 9 बज रहे हैं एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बागा बीच। तो यहाँ से अंजुना बीच से बागा बीच का डिस्टेंस 6-7 किलोमीटर है। टैक्सी वाले बहुत पैसे मांग रहे हैं, 1000-1200 मांग रहे हैं अभी। तो अभी देखते हैं, अपन पैदल जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं रास्ते में कोई ना कोई टैक्सी मिलेगी। सो लेट्स गो। तो गाइस बेसिकली टीटोज लेन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, सारी लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है एंड वहाँ आगे जाके एंड होता है। तो सबसे पहला क्लब टीटोज लेन में जो है वो है पड़ता है डी पिंक एलिफेंट, ये काफ़ी फेमस क्लब है एंड जितनी आगे जाते रहते हैं उतना देखते रहते हैं। सेकंड वन पिट स्टॉप, और ये है फेमस क्लब गोवा का डिवाइड गोवा। बेसिकली यहाँ सारे लाइन से ही हैं क्लब्स, और ये थर्ड वाला आ गया कॉकटेल्स एंड ड्रीम्स, ये भी काफ़ी फेमस क्लब है यहाँ का। चार्जेस क्या है भाई? सब लोग? हाँ सब। 500 का कवर चार्ज है, 500 रुपये का कवर चार्ज। जस्ट आगे ही है दी माया क्लब, यहाँ का काफ़ी सही सीन है, रात का काफ़ी ज़्यादा क्राउड है इस टाइम भी, 10-11 बज रहे हैं बट क्राउड काफ़ी है। मेरे आगे जस्ट है टीटोस क्लब, ये है वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लब जिसके नाम पे टीटोस लेन पड़ी है, टीटोस क्लब। पूछते हैं
के भी क्या एंट्री चार्जेस है क्या है, और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हाँ सारे इंडियन क्राउड है। वेलकम टू टीटोज होली। होली से एक रात पहले का ये हाल है, देख लो आप, फुल्ली पैक्ड है। होली के दिन कितना पैक्ड होगा। तो अब इसके बाद सबसे यहाँ का सबसे बड़ा क्लब आ जाता है, सबसे बड़ा इन द सेंस के सबसे बड़ा स्पेस में, तो ये है दी मैम्बोस क्लब। आप सामने के देखो, ये दी मैम्बोस क्लब है और सबसे बड़ा क्लब माना जाता है यहाँ का एरिया वाइज। तो चलो इसको भी आगे देखते हैं, चेकआउट करते हैं। तो दिस इज़ दी मैम्बोस क्लब्स ऑफ गोवा। यहाँ पे एंट्री का हिसाब किताब सीन क्या है देखते हैं थोड़ा। बाकी ज़्यादा क्राउड इस क्लब में लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि सारी सीट्स खाली है। एंड ऑलमोस्ट ये आप समझ लो यहाँ पे टीटोस लेन का एंड हो जाता है। इससे आगे कुछ है नहीं ना, इस साइड भी कुछ नहीं है खास। ये मैम्बोस है, दी मैम्बोस का फ्रंट गेट। यहाँ पे पूरी स्ट्रीट एंड हो जाती है, आगे कुछ नहीं है। सो वी आर एट बागा बीच। ये एंट्रेंस है बागा बीच की। यहाँ पे आप देख सकते हो बीच शैक्स हैं सारे। मेरा फोन दो, मैं स्टोरी बनाया। सो दिस इज द सीन राइट नाउ। 10:30-11 बज रहे हैं, बट क्राउड ऑन टॉप है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम रश नहीं है वो वाला, ना म्यूज़िक है ना कुछ है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा है। बस ये था बागा बीच, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड बीच है, लेकिन देखा जाए कहीं से है बीच तो यार लग नहीं रहा, आने लायक तो नहीं लग रहा भाई, बोल रहा हूं कहीं क्राउड बहुत है यार यहां पे। इससे अच्छा था अंजुना था, तब यार अपनी प्रेफरेंस है। अगर आप भीड़ भड़क के एरिया पसंद करते हो, क्राउडेड बीचेस पसंद करते हो, तो बागा कलंगूट आ सकते हो। और अगर आप सिंपल सोबर बीचेस जहां फॉरेनर ज़्यादा हो वहां जाना चाहते हो, तो अंजुना और बैकेट इज़ अ गुड ऑप्शन। सो अभी चलते हैं सीधा टीटोज लेन, वहीं किसी क्लब में जाके पार्टी करते हैं। सो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूं दी वाइट गोवा। एंट्रेंस जो है यहां पे 1500 कवर चार्ज है। सो चलते हैं अंदर। सब
सब कुछ ऑन ही ऑलमोस्ट। तो यार यही है गोवा, गोवा कभी छोटा नहीं है। जैसे आप मेरे देखो तो बहुत प्यारी सी वेव्स हैं यार, और सुकून मिल रहा है, बहुत पीस मिल रहा है बैठने का। वही चलो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर एक नई ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। राइट नाउ इट इज 4:00 इन द मॉर्निंग। तो इस रात के 4:30 बज चुके हैं और हम चल रहे हैं बिल्कुल एक सुनसान सी रोड पे, बहुत देर से 1.5 घंटा हो गया चलते चलते। तो अभी पैदल ही जा रहे हैं, यहाँ से कोई टैक्सी ही नहीं मिल रही, बड़ी देर से लगे हुए हैं टैक्सी के लिए पर मिल नहीं रही। अब देखते हैं, अभी यहाँ से 4 किलोमीटर बचता है। अरे कुत्ते यार रहने भाई, मत डरा। तो देखते हैं भाई, पैदल ही जाना पड़ेगा। लो गलत आ गए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर वापसी जाओ भाई, गाड़ी से चलो, गाड़ी से वैसे पहुँचते हैं किसी तरह से अपने रिजॉर्ट पे। थक गए यार, पार्टी करके भी सुबह के ऑलमोस्ट सुबह ही हो रही है भाई, सुबह होने वाली है आधे घंटे में। चलो भाई पहुँचते हैं।